अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बची हुई रोटी और सब्जी से बढ़िया नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप सुबह के नाश्ते, बच्चों के लंच बॉक्स और शाम के चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक बार आप इसको बनाकर खा लेंगे तो समोसे, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा सब भूल जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ही बच्चों ही थोड़ी सी आलू की सब्जी थी और दो रोटियां थी। आपके पास कोई भी सब्जी हो आप उसको ले सकते हैं। इससे पहले यहाँ मैंने एक बाउल में 1.5 कप बेसन ले लिया है। इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 स्पून, जीरा डालेंगे 1 छोटा चम्मच, सौंफ डालेंगे 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/4 स्पून और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डालेंगे और एक इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए, आपको इसको परफेक्ट बैटर बनाकर तैयार करना है और ना ज़्यादा इसको पतला बनाना है और ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसके अंदर 1 स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे 1/4 स्पून और 1/4 स्पून ही हींग का पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। इस बैटर को 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही फेंटते रहें, फिर इसको बनाकर साइड में रख दें। अब यहाँ मैंने एक बची हुई रोटी को ले लिया है, उसके ऊपर जो सब्जी बची हुई थी वो इसके ऊपर अच्छे से सब जगह फैला देंगे। मैंने यहाँ आलू की सब्जी ली है। आपके पास कोई भी वेजिटेबल की सब्जी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप देख रहे होंगे मैंने रोटी के ऊपर सब्जी को अच्छे से सब जगह लगा दिया है। आप जितनी चाहे सब्जी इस रोटी के ऊपर लगा सकते हैं। अब इसे पिज्ज़ा कटर से या शार्प नाइफ से इसको ट्रायंगल शेप में काट लें। अगर आपको ये बच्चों ही रोटी और सब्जी का नाश्ता पसंद आए तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें। अच्छी अच्छी रेसिपी दूसरों को शेयर करना तो बनता ही है। अब इस रोटी को मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है, आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। अब इसका एक पीस उठाएंगे और बेसन के घोल में इसे अच्छे से डीप कर देंगे। बेसन इसके ऊपर अच्छे से लगना चाहिए। अभी हाँ मैंने तेल को अच्छे से गरम करके रख लिया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप इस रोटी को डालें तो ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए और रोटी के पीस डालते वक्त फ्लेम हाई ही रखें। अगर हल्के गरम तेल में डालेंगे तो इनके अंदर तेल भर जाएगा। इसको तेज आंच पर ही कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है, ये जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। सोडा डालने की वजह से ये अच्छे से फूल भी रहे हैं। सुबह की भाग दौड़ में सुबह का नाश्ता बनाना, बच्चों के लिए लंच बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए 5 से 6 मिनट ही लगे होंगे। देखा आपने हमने कितनी जल्दी ही परफेक्ट नाश्ता बना लिया। अगर आपको किसी भी रेसिपी की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी रेसिपी की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं मेरी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।